हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और ये करेक्ट 5 बजे का टाइम है और 5 बजे मेरे घर से बाहर का व्यू ऐसा नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, मतलब अच्छा लग रहा है। उसके बाद में मैं नीचे चल देती हूँ, कोले सिला देती हूँ और मेरी पहली बार की चाय को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और ये देखिए, मेरा पानी भी टाइम के ऊपर आ गया और मैं मोटर को चला देती हूँ। और उसके बाद में देखिए, मेरा चेष्टा बाबू सो रहा है और मौसम, मतलब इतना काम करने के बाद में खाती हूँ कैसा, मतलब अब भी बिल्कुल अंधेरा है क्योंकि अब दिन छोटे होते जाएंगे तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा ही दिखाई देगा उस टाइम के ऊपर, और आगे तो और भी ज़्यादा अंधेरा दिखाई देगा क्योंकि आगे और भी ज़्यादा छोटे दिन होते जाएंगे। और देखिए, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ओनली स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है जो कि पुल के ऊपर से जा रही है और ये सारी की सारी सोलर पैनल से चलती है, तो धीरे 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 करके ये बंद होती जाएंगी और मतलब सूर्य देवता निकलेंगे, फिर ये स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब ये दिन में भी चसती रहती है, रात को भी, मतलब ये सोलर से ही चलती हैं। उसके बाद में मैं अपने काम के ऊपर लग जाती हूँ। तो हाँ, इस टाइम के ऊपर मैंने चाय पी ली है, पानी आ गया है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेन गेट के आगे से धोकर मतलब बाइक को धो देती हूँ क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा गंदी दिखने लग गई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को काफ़ी दिन हो गए थे धोए हुए, मैंने उसको धोया नहीं है, तो आज सोच रही हूँ धो देती हूँ। और इस टाइम के ऊपर यहाँ पर सिर्फ मैं और चिमू, मतलब बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा अपनी मस्ती के अंदर है और मैं अपने काम के अंदर हूँ, मतलब वो यहीं पर ही है, जहाँ पर भी मैं होती हूँ वहीं पर आ जाता है और मतलब ज़्यादातर वो मेरे साथ में रहता है। और दूध और रोटी इसको दोनों की दोनों चीज़ें दे दी हैं, बाइक मैंने धो दी है और देखिए अब मैंने यह मतलब फ़र्श को धोना शुरू कर दिया है। गुन्नू को स्कूल में नहीं जाना है क्योंकि गुन्नू के पेपर चल रहे हैं, तो गुन्नू ने जिस सब्जेक्ट को ले रखा है उसके तो पेपर हो चुके हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उनके पेपर चल रहे हैं, तो उसके बाद में मतलब उस क्लासेज लगेंगी, तब तक इसकी छुट्टियाँ हैं, तो इसकी क्लासेज 3 तारीख से लगेंगी क्यों, मतलब गांधी जयंती के बाद में, क्योंकि गांधी जयंती कि 2 दिन की छुट्टी होती है, तो 3 तारीख से क्लासेस लगेंगे, तो गुन्नू की छुट्टी है। और इस टाइम के ऊपर मैं पीने का पानी नीचे भरने लग गई हूँ, मतलब 2 मटके हैं जिनमें से एक मटका और एक बाल्टी डेली भर देती हूँ, एक मटका एडवांस में रखा रहता है। इस टाइम के ऊपर दिखाती हूँ, देखिए बिल्ली का बच्चा यहाँ के ऊपर, मतलब पानी मैं भर रही हूँ तो बाइक को धोई थी, उस बाइक के पीछे बैठकर बाहर देख रहा है, बाहर किसको देख रहा है, गौ माता को, मतलब ये बाहर गौ माता और डोगी को देखता रहता है और मतलब इनके डर से ज़्यादातर ये अंदर घुस जाता गेट के अंदर नीचे से, मतलब ऐसे चक्कर काटता रहता है। देखिए अब मैं इसको ये पता चल गया कि मैं इसके पीछे हूँ और मैं इसके साथ खेलूँगी, तो फटाफट भागकर कभी इस साइड जाएगा कभी इस साइड की मेरे साथ में खेल, पहले इसकी माँ इसके साथ में बहुत ज़्यादा खेलती थी लेकिन अब नहीं खेलती है, अब तो इसको खाने के लिए आती है, क्यों पता नहीं, मतलब मतलब इससे प्यार नहीं करती क्या, या इसलिए छोड़ दिया है कि अपना काम खुद करे, क्योंकि मतलब इंसान और पशु में फ़र्क तो होता ही है थोड़ा बहुत, तो उसने उसको मतलब अपने ऊपर छोड़ दिया है कि तो अपना खाना पीना खुद कर, मतलब इसके पास में नहीं रहती है, नहीं खेलती है। और अब मैं लग गई हूँ झाड़ू में, मतलब सीढ़ियों में से झाड़ू लगाते हुए नीचे आ जाऊँगी। आज मैंने ऊपर की सफाई नहीं की है क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े धोने हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दिखाऊंगी मैं आपको कितने ज़्यादा कपड़े धोने हैं, तो मैं फटाफट पहले मतलब छत की सफाई नहीं करूँगी क्योंकि मैं नीचे की ही कंप्लीट करके मतलब कपड़े धोऊँगी, तब तक बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और फिर कल थर्सडे है तो उससे पहले मुझे एक सूट की कटिंग भी करनी है, मतलब सूट मतलब उनमें से चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सूट कट जाए चाहे प्लाजो कट जाए, एक चीज़ कट जाएगा फिर दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैं थर्सडे को नए कपड़े के ऊपर कैंची नहीं लगाती हूँ कभी भी, मतलब ये मेरा मतलब खुद का ही बनाया हुआ, मैं ये नहीं कहती मेरे को किसी ने बता रखा है इसीलिए, लेकिन मैं कभी भी नहीं लगाती हूँ, जब से मैंने सिलाई सीखी है तब से मैं नहीं लगाती हूँ। और सिलाई सीखे हुए भी मुझे पता नहीं कितने साल हो गए, 21 साल तो शादी को हो गए, उससे पहले सीखी थी, मतलब उस तब तक के मतलब मैं अपने प्रण को निभाती आ रही हूँ इतने सालों से। और इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ और नीचे झाड़ू और पोछा कंप्लीट कर दिया है, मतलब किस मतलब खाना बनेगा उस साइड तो मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा, लेकिन और सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। और मैंने सूर्य देवता को जल दे दिया है और यहाँ पर मेरे इष्ट देवता हैं जिनकी की मैंने पूजा कर ली है, बाबा जी को नहला दिया है और दोबारा की चाय को मैं अब जाकर बनाऊँगी, मतलब रख कर नहीं आई हूँ, देखिए चाय मेरी बना लेती हूँ आकर और बाबा जी को दे देती हूँ, और उसके बाद में मैं लग जाती हूँ मेरी सफाई के अंदर, मतलब ऐसे झड़का कर, मतलब मेरे को चादर को साइड में रखना था लेकिन गुन्न से बात करते करते वो चादर को मैं बिछा देती हूँ,
क्योंकि याद नहीं, मतलब बात करते करते बिछा देती हूँ। और आज मेरे को मशीन चलानी है तो चादर को मेरे को बिछाना नहीं था, क्योंकि चादर को साइड में रखना था ताकि मतलब धूप जाए, लेकिन उससे बात करते करते मैं बिछा देती हूँ। उसके बाद में मतलब सारे कपड़े निकालती रहती हूँ, मशीन में धोती रहती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े धोए हैं। और उसके बीच में मैंने कितना काम किया, मतलब घर का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है हाउस वाइफ को बहुत ज़्यादा। हाँ मतलब काम की कोई ये नहीं है कि हाँ काम का अंत है, मतलब जितना ढूंढते जाओगे ना उतना निकलता रहता है, निकलता रहता है। और आज तो कपड़े धोने हैं तो मतलब आज तो बहुत बुरी, मतलब थक जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और अभी तो स्टार्टिंग के कपड़े डाल रखे हैं, सिर्फ मतलब पहली बार के जो पहनने के कपड़े होते हैं वो मैं पहले डालती हूँ, उसके बाद में चादर वगैरह डालती हूँ। तो अभी मैंने फ़िलहाल पहनने के कपड़े डाल रखे हैं, क्योंकि पहनने के कपड़े 3 दिन के हो गए हैं, मतलब सोमवार के, मंगलवार के और बुधवार के, मतलब आज बुधवार है तो 3 दिन के। तो देखिए अब मेरे कपड़े एक भर के धुप गए हैं और मतलब सुखाने के लिए मैं आ गई हूँ। चेष्टा बाबू मेरे पीछे पीछे आ गया, वो कमरे के अंदर है और कह रहा है कि मम्मा फ़ोन मेरे को दे दो कि वीडियो मैं बनाऊँगा। मतलब उस दिन बनाई थी तो उसको ये है कि मम्मी की आज भी मैं ही बनाऊंगा। तो मतलब ऐसे करके वो जिद्दी लगा कर मतलब कमरे के अंदर बैठी हुई है कि मम्मा दे दो। और मैं कह रही हूँ आ जाए बेटा, मतलब वो मतलब अपने आप आती है, मतलब ये कह दूँ बेटा आ जाए तो नहीं आते, हाँ जिद्दी पकड़े रहती है तो वो अपने आप ही आती। देखिए आ गई है और ये देख रही कि कैमरा कहाँ पर लगा हुआ है, और ऐसे करके वो कैमरे को ले लेती है। फिर देखिए उसने ये मेरी 2-3 मतलब वीडियो भी बनाती है और ये 2-3 फ़ोटो खींची है, मतलब कर लेती है, लेकिन उसको ये पता वीडियो और फोटो अलग अलग चीज़ें होती हैं। उसको दिखता है कैमरे के अंदर तो वो सोच रही है हाँ काम हो रहा है। और इतने सारे कपड़े, ये पहली बार के कपड़े, मतलब जो जितने भी मशीन में एक बार डलते हैं वो ये सारे एक बार के कपड़े हैं। ऐसे करके आज मेरे को 4 बार कपड़े डालने हैं, मतलब इतने सारे कपड़े धोने हैं, मतलब आप गैस कर सकते हैं 4 बार में कितने हो जाएंगे। और नीचे जाने लगती हूँ, गौ माता दिख जाती है मेरे को, जो कि मैंने आपको दिखा दी। और इस टाइम के ऊपर देखिए मेरे बाबू दोनों के दोनों बैठ कर किसको देख रहे हैं, चिम्मू को। बोले इस बिल्ली के बच्चे का नाम चिम्मू निकाल रखा है हमने, तो ये क्या कर रहा है, बोले इस सांप के जो बामनी होती है उसको खा रहा है, मतलब एक टाइप का जीव होता है, मतलब उसको खा रहा है। तो उसको बैठकर देख रहे, मतलब गुनू करे मम्मा छुड़ा दो, मैं बेटा इसको खा तो लिया ही है, क्या छुड़ा दो इसको, क्योंकि फिर तड़पेगा, तड़प कर तो इसको मरना पड़ेगा कम से, और थोड़ी देर में आकर ये नहीं खाएगा तो चीटी मकोड़े खा जाएंगे, मतलब इसकी तो मृत्यु निश्चित हो चुकी है क्योंकि इसने इसको आधा खा लिया था। और इतने का देखिए इतने सारे कपड़े फिर मैंने नीचे सुखा दिए हैं, मतलब ये दूसरी बार के, मतलब ऐसे करके 4 बार कपड़े डलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े धोए हैं बहुत ज़्यादा। और आज तो लगभग टंकी शायद खाली हो गई है, मतलब खाली होने भी मतलब हो ही जाएगी क्योंकि 1000 लीटर की है और इतने सारे कपड़े धोए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और कपड़े मशीन के अंदर सिर्फ मैं 2 ही बार धोती हूँ महीने के अंदर, एक बार धुप गए हैं और एक बार और धुपेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दिवाली की सफाई होती है उस टाइम की तो आप पूछिए मत, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब आगे की मैं आपको आगे दिखाती रहूँगी, आगे क्या होगा देखिए मेरा। फिर बीच में मेरे को चेष्टा बाबू को भी सुलाना होता है। और देखिए ये मेरी शाम की, मतलब आज मैंने चाय नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और चाय पीने वाली सिर्फ मैं अकेली थी, मतलब चेष्टा बाबू भी सो गया था, गुन्नो पीती नहीं है, गुन्नो के पापा भी बाहर हैं, तो मैं अकेली थी तो मैंने चाय को नहीं बनाया, मैंने दूध के साथ में रोटी खा ली क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। और बीच में खाना मैंने खा लिया था लेकिन ये शाम की चाय के टाइम का है क्योंकि मेरे को भूख लग गई थी काम करते करते। और फिर चेष्टा को भी कई बार फीडिंग करानी पड़ती है तो भूख लग जाती है, कभी कभी लगती है, ये नहीं कहती मेरे को हर बार भूख लगती है, हाँ कभी कभी भूख महसूस होती है, लेकिन आज भूख महसूस हुई तो मैंने दूध के साथ में रोटी खा ली, चाय को मैंने नहीं बनाया कि मैं चाय नहीं बनाती हूँ। आप फिर देखिए गद्दों के कवर वगैरह सब कुछ धोए थे कि मैं दिवाली के टाइम के अभी धो देती हूँ, क्योंकि गुन्नू घर पर थी तो गुन्नू ने निकाल दिए, मेरे को निकालते हुए प्रॉब्लम होती है, मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती है, मतलब जिस चीज़ में भी धूल होती है ना वो काम मेरे से मतलब छोड़ने की अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ कि गुन्नू ने कर देगी, हाँ गुन्नू ने इसके निकाल दिए थे, और काम नहीं करती, हाँ कहा हुआ काम कर देती है, देख ले सेट कर दिया है कमरा पूरा का पूरा, मतलब बहुत टाइम लग जाता है, ये नीचे का कमरा है जो सेट कर दिया है, मेरा बाबू खा रहा है खाना,
और ये देखिए छोटा बाबू यहाँ पर सो रहा है, इसकी चादर वगैरह यहाँ पर रख दी है, सोफे के कवर बिछा दिए, मतलब सारे काम सेट कर दिए। मतलब इनमें भी बहुत टाइम लग जाता है, पहले उतारो फिर धो फिर दोबारा बिछाओ, मतलब बहुत ज़्यादा। और उसके बाद में मैं करती हूँ मेरे पितरों की जोत, मतलब देखिए इतना टाइम हो गया काम करते 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 करते, और उसके देखिए मेरे पितरों की जोत है, जय मेरे पितर देवा। उसके बाद में मैं करती हूँ कटिंग, मतलब रात को हो जाती है बिल्कुल, फिर मैं करती हूँ क्योंकि करनी ज़रूरी है, क्योंकि कल आज एक चीज़ की कट जाएगी तो कल दूसरी चीज़ की मैं काट लूँ, मेरे को दिक्कत नहीं होती है। हाँ, लेकिन दोनों चीज़ों की एक साथ मैं नहीं करती हूँ, मतलब थर्सडे होता है उस दिन नहीं करती हूँ, उससे पहले वाले दिन मैं एक चाहे कितनी ही रात को काटने पड़े मैं पहले वाले दिन काट कर फिर सोती हूँ। तो मेरी कटिंग हो गई है फाइनली, मैंने प्लाजो को काट दिया है, और उसके बाद में हम श्याम का खाना बनाती हूँ मैं। मतलब आज इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं, मतलब बता नहीं सकती वो, मतलब ये तो इंसान खुद महसूस कर सकता है कि कितनी थक गई होगी। और उसके बाद में मैं श्याम का खाना बनाती हूँ, सबको खाना खिलाती हूँ, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ करती हूँ, फिर खुद खाना खाती हूँ, और फिर एट लिस्ट में मैं सो जाती हूँ। और आज तो वीडियो का काम भी मैं सुबह करूँगी, अभी नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये मेरे रात का खाना है जो बाबा जी को दे दिया है।